आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज़। खबर है अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ में हुई हिंसा के बाद आज काफ़ी दिनों बाद यूनिवर्सिटी खोला गया। CA और NRC को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए बवाल के बाद लगभग एक महीने में फिर से बंद पड़ी यूनिवर्सिटी को सोमवार खोली गई। AMU इंतजामिया द्वारा चरणबद्ध तरीके से सोमवार को यूनिवर्सिटी के 15 डिपार्टमेंट को सुचारू रूप से किया गया शुरू। इस दौरान स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बवाल के बाद सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने के साथ ही पुलिस प्रशासन ने पूरे कैंपस में घूमकर सुरक्षा का जायजा लिया और साथ ही AMU के बाबे सैयद गेट पर बिना पहचान पत्र के किसी भी वाहन चालक या व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया। गेट पर सभी लोगों की चेकिंग के बाद ही अंदर एंट्री दी गई। हालांकि AMU के अंदर आज भी छात्रों का धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहा। यूनिवर्सिटी खुलने के बाद इंतजामिया ने जरूरी मीटिंग बुलाई, जिसके बाद आगामी रणनीति पर विचार किया गया। 16 जनवरी से परीक्षा शुरू होनी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया की मीटिंग अहम माना जा रहा है। मामले को लेकर CO सिविल लाइन अनिल कमानिया ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि AMU की हर गतिविधि पर पैनी नजर प्रशासन की बनी हुई है। तो रिपोर्ट, टिंकू शर्मा, अलीगढ़। AMU आज कई दिनों के बाद खुली है। सुरक्षा की दृष्टि से हमने सवेरे से ही पुलिस को अलर्ट रखा है। सवेरे RA PHC के साथ मैंने स्वयं यहाँ पैदल गश्त किया है और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर सिविल पुलिस को भी और फायर सर्विस और वाटर कैनन को अलर्ट करके रखा है। हमारी पुलिस की तरफ से सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था है और अभी तक शांति बनी हुई है। सर, यूनिवर्सिटी खुल गई है? हाँ, यूनिवर्सिटी के उधर कुछ मेडिकल के क्लासेस खुल गई हैं।